हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। मैं हूं दिवाकर और स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो यार दोस्तों, रिसेंटली मैंने 1000 सब्सक्राइबर स्पेशल लाइव स्ट्रीम की थी। तो भाई जिन लोगों ने वो मिस कर दी हो तो भाई चैनल पर लिंक है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। ओवरऑल अगर बात करो तो भाई बहुत ज्यादा मजा आया था आप लोगों के साथ बातचीत की, बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछे। तो हम लोग ऐसी और भी लाइव स्ट्रीम्स लेके आने वाले हैं। तो भाई अगर आप लोग उन लाइव स्ट्रीम्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और भाई नीचे जो बेल आइकन है वो दबा के रख लो, ताकि मैं जब भी लाइव आऊंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, भाई बैठ के चिल मारेंगे सब साथ। तो यार दोस्तों, आप में से काफी लोगों का सवाल था कि भाई हमारे कुणाल भाई कहाँ है, कुणाल कहाँ है, कुणाल दिख क्यों नहीं रहा। तो भाई फाइनली पूरे 2 महीने बाद आप लोगों की स्पेशल डिमांड में हम लेके आए हैं कुणाल भाई को। कुणाल भाई आ जाओ, जल्दी आ। तो दोस्तों देखो भाई, फाइनली हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे कुणाल भाई। मेरा हाथ दर्द हो गया भाई, 3 दिन हो गए मेरे को जिम शुरू किए हुए, सुबह सुबह हाथ तो मतलब बैंड बजी पड़ी, दर्द हो रहा पूरी तरह। तो भाई हमारे साथ आ गए हमारे कुणाल भाई। तो भाई सबसे पहले आपको जो फैंस थे भाई, जो आपकी इतनी परवाह कर रहे थे, उनको आप बताना चाहोगे आप कहाँ पे थे। मैं अपनी मासी घर था, तो मैं अपनी वेकेशन को एंजॉय कर रहा था। बड़े लोग होते हैं वो लोग वेकेशन पे जाते हैं। तो भाई पिछले 2 महीने से हमारे कुणाल भाई वेकेशन पे गए थे। जितना स्ट्रेस हो गया ना मतलब फेम का, उसको थोड़ा कम करने गए थे ये लोग। तो भाई जितने भी कुणाल के फैंस है भाई, कुणाल ओपी स्पैम कर दीजिए चैट में। आप कुछ कहना चाहोगे उन दोस्तों के, अपने दोस्तों के, अपने फैंस के लिए कुछ? लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। लो भाई, यही मैं सुनना चाहता था। तो भाई अब तो कुणाल ने भी कह दिया भाई लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो अभी तक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो, रक्षाबंधन का टाइम आ गया, मतलब कल रक्षाबंधन है। तो हम सोच रहे भाई क्यों ना पतंगे निकाली जाए, क्योंकि भाई रक्षाबंधन के साथ नाम हमेशा जुड़ता है पतंगबाजी का। तो इस बार हम लोग मतलब सिटी में नहीं गए थे, हमने पतंगे नहीं खरीदी, लेकिन पिछले साल हमने बहुत सारी पतंगे खरीदी थी। पिछले साल हमारा स्टॉक पूरा पड़ा हुआ है, तो अभी हम जाएंगे ढूंढेंगे कहाँ पतंगे पड़ेंगे, डोर निकालेंगे अपनी। और भाई मौसम तो भाई आज मतलब मौसम इतना सही हो गया ना कि आज एकदम परफेक्ट मौसम है पतंग उड़ाने के लिए। हल्की हल्की हवा चल रही है और बादल छाए हुए भाई, बिल्कुल धूप नहीं है दोपहर को भी। तो मस्त आराम से छत पे जाएंगे, पतंग उड़ाएंगे और भाई मजे लेंगे पतंगबाजी के। चलें, लेट्स फाइंड अवर काइट। पतंगे हम ढूंढते हैं, हमने पतंगे रखी हैं स्टोर रूम में। तो पहले भाई अंदर से पतंगे लेके आते हैं, फिर चलते हैं छत पे और मजे से भाई पतंगे उड़ाएंगे। हम प्रमाणा लेने जा रहे हैं। तो भाई आप में से किन किन लोगों को पतंग उड़ाना पसंद है भाई, नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। तो भाई ये है हमारा स्टोर रूम, जिसकी हालत बहुत अच्छी है। हाँ मतलब इस स्टोर रूम की हालत भी, मतलब स्टोर रूम में यार कौन से जाकर रखता है, कौन आता है यहाँ पे। आपके कमरे से अच्छी हालत है स्टोर रूम की? ऐसा कुछ नहीं भाई, मेरा कमरा बहुत साफ सुथरा रहता है। अभी हम ढूंढेंगे, मुझे दिख रही, दिख गई पतंग, दिख गई पतंगे, दिख गई पतंगे, पतंगे दिख गई पतंगे, ये चेहरे में खुशी पतंगे दिखने की। हाँ उतारो भाई सारी। ओ भाई और भी है यहाँ पे साइड साइड में, ये देखो यहाँ पे ये पतंगे हैं, अपने पतंगे हैं। पिछले साल का स्टॉक, पिछले साल पहले का प्लमर डाला है। हमारी स्पेशल डिजाइन काइट। ये बहुत महंगी पतंगे आती हैं, ये मतलब ये आप लोगों को आम मार्केट में नहीं मिलेंगी। इसको लेने के लिए आपको एक स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है, हमारे पास वो है। इससे हमारे पास ऐसी पतंगे हैं अभी। और ये देखिए, ये आपको दिखाता हूँ स्पेशल टाइप की पतंग। ये हमारी वाटर प्रूफ पतंग है, यहाँ पे भाई कितनी भी बारिश है, पानी हो, आप इसको पानी में डुबो के निकालो फिर भी उड़ा सकते हो। सारी पतंग उतार के रख देंगे, क्योंकि भाई आज तो हम सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं, मतलब आराम से उड़ाएंगे, लेकिन कल है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन वाले दिन तो भाई पूरा टाइम छत पे निकलने वाला है। एक और एकदम फ्रेश पतंग थी ये, चलो ठीक हुई है टेप लगाई है। हाँ इसको हम टेप लगा के जोड़ देंगे। ये आ गया पुट्टी, और ये गाइस हमने एक लूटा है और एक खरीदा। ये देखो भाई, ये जो गुड्डा है, ये गुड्डा भाई लूटा है हमने यार, मतलब खुदा है। ये देखो भाई मस्त, ये देखो भाई एक और को मैं दिखाता हूँ, हमारे लाइफ साइज बड़े बड़े गुड्डे आ गए यार। ये देखो भाई बड़े बड़े गुड्डे, उनको आप तेज हवा में उड़ा नहीं सकते, हाथ कट जाते हैं यार। ओ भाई फार में देना, महाबुद्धि इंसान। ये तो मिल गया, डोर कहाँ है? डोर कटने 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 डोर। अब भाई हम इसकी डोर भी निकालेंगे, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली चाहिए, उसके बिना कैसे उड़ाएंगे। तो भाई अभी हम निकालने वाले हैं अपना मांझा, साल पुराना मांझा हमारे पास भाई, 1 साल पुराना मांझा अपने पास पड़ा है। देख लूँ भाई, शुक्र है, मैं चेक कर रहा था भाई रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। फाइन भाई शुक्र है रिकॉर्डिंग चल रही है, वरना भाई इतना सब कुछ जो किया सब गायब हो जाता। हमारे भाई कुणाल भाई पीछे तलाश कर रहे हैं मांझे की, इन्होंने रखा था, क्योंकि पिछले साल इसी ने संभाल के रखा था, इसी को पता है कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं। मिल गया, यही है, मिल गया। ये देखो भाई इसके अंदर कितनी तगड़ी पैकिंग है भाई, प्लास्टिक है। इसको हम लेके चलते हैं बाहर। तो सुप्रंट आया ना, मैं खलमोट डाकूमेंट बटीर का। ये देखो ये प्लानिंग है इनकी, ये कह रहा है कि मैं ऊपर से उड़ाऊँ, ये नीचे से उड़ाएगा और हम एक दूसरे को काटेंगे। अरे घर में ही, घर का आदमी, घर का बेदी लंका ढाए। आज तो मेरे को भी लग रहा मुश्किल होगा, और कोई उड़ा रहा होगा तो कल शायद और लोग उड़ाएं, मेरे को लग नहीं रहा, शायद हमें देख के कोई एक आधा पतंग उड़ा ले। कल मेन भाई रक्षाबंधन, तब बहुत पतंगे उड़ती हैं। तो चलो भाई चलते हैं सीधा छत पे, मैं भारी सामान लेके आ रहा हूँ, बाकी हल्की चीजें लेके आ जाएगा पीछे पीछे। हाँ ये तो ठीक है, फाइनली हाँ सही बात है। नहीं धूप नहीं आई यार, कैसे बात कर रहा है ना, आया तो अच्छा है। लेकिन भाई यहाँ का व्यू, एक मिनट इसको नीचे रखता हूँ, मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये से कहते हैं मस्त, एकदम प्यारा सा व्यू।
हरियाली। हम लोग तो भाई इस व्यू को रोज एंजॉय करते हैं, तो हमारे अब आम बात हो गई है, लेकिन कोई जो पहली बार इसको देखेगा ना तो प्यार हो जाएगा इस जगह से। भाई फिलहाल अभी काम हो रहा है थोड़ा, मतलब जो हमारे गुड्डे हैं उनको थोड़ा उन पे टेप लगाए जा रहे हैं गुड्डों पे, ताकि वो फट ना जाए हवा में जाके। ओ भाई धूप आ गई हल्की हल्की। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मेरा चाचा खेतों में पानी लगाता है, कुछ भी करता है, उस बारिश आ जाती है। तो भाई आज भी खेतों में पानी लगा के आए हैं, तो कह रहे भाई आज भी शायद बारिश हो ही जाए। भाई हमारी किस्मत देखो, बादल थे छत पे आए, धूप आ गई है, हवा आ रही है, पर धूप है। कोई नहीं, सह लेंगे भाई, उड़ाएंगे, लेकिन फिर भी हम कलम क्या करेंगे, जो पीछे की जो जगह है वहाँ पे दो तीन डंडे लगा के, चादर लगा के टेम्परेरी छत बना लेंगे, उसके नीचे खड़े होकर आराम से पतंग उड़ाएंगे। धूप होगी फिर भी कोई टेंशन नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने हमारे मांझे की, अपना मोनोकाइड मांझा आ गया भाई, चमचमाता हुआ मांझा आ गया है बाहर। तो चलो भाई उड़ाते हैं, शुरुआत करेंगे बड़े वाले गुड्डे से करेंगे। भाई ये हमें काफ़ी है। तो दोस्तों फाइनली हमारे मांझे को हमने जोड़ दिया पतंग के साथ। अब भाई पतंग उड़ाने से पहले सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि भाई हवा किस साइड की है। उसके लिए इसको ऐसे खड़ा करो और इसकी आप देख रहे हो इसकी दुम्ब, जिसको हम कहते हैं इसकी टेल, वो जिस साइड जाएगी उस साइड हवा, तो ये इस साइड जा रही है, इस साइड हवा यहाँ की है, तो हम इसको उड़ाने की कोशिश करेंगे। देखो भाई मैं हूँ प्रोफेशनल, हम प्रोफेशनल को ज़रूरत नहीं होती किसी के कन्नी देने की, हम ऐसे ही उड़ाते हैं और डिश में ही होते हैं भाई। भाई पहले अटैम्प्ट में देखो भाई, इसको कहते हैं टेक ऑफ, पहले ही अटैम्प्ट में उड़ा दिया हमने। ओ भाई क्लोज मिस, देखो मैं कह रहा था हवाई साइड की है। ये देखो भाई ये जा रहा है गुड्डा हमारा उड़ता हुआ, हवा थोड़ी कम हो गई फिलहाल। जाने दो भाई इसको, जाने दो, कट गई भाई पतंग, अपनी कट गई, अकेले हम आसमान में, हमारी पतंग कट गई, अगर सही में कट गई। हम जैसे भाई छत पे आए धूप आ गई, मेरी एक आंख खुल भी नहीं रही साइड वाली। खाल रख खिड़की रखड़ा पैरेट रख कैसे दिखाड़ी, जब हम खिंच मारेंगे। हाँ यार सही है भाई, एक और नई चीज आपको मेरे यहाँ पे वीडियो में पता चलेगी, आप ऐसे नीचे रख के उड़ा सकते हो सारे ये दिन। आज मैं अगर आपको बताऊं, अरे इसमें अब चक्कर पता है कि हवा बहुत तेज हो गई है, और ये देखो अब डर ये है कि भाई हवा तेज हो गई है तो ये हाथ काट सकता है। टेप लाई भाई, डर लग रहा है ऐसे मान लो छोड़ने में भी, अचानक छूटेगा भाई हाथ काट सकता है। मैं से आंख नहीं मार रहा किसी को भाई, मैं इस साइड सूरज पड़ रहा है तो आंख बंद हो जाएगी। कहाँ नहीं देखो, वो देखो सूरज के साथ दिखेगा उधर है भाई, पतंग नहीं दिख रही हो, अब पतंग मुझे भी दिख रही, क्योंकि देखो जो पतंग है ना सूरज के आस पास कहीं पर आ गई ऊपर। ये देखो भाई कैसे मांझा निकल रहा है, आवाज़ सुन रहे हो आप लोग, क्या आवाज़ देखो, क्या नहीं थोड़े से नारी हम इस गेम में, क्योंकि देखा मेरे को जो आदत है ना, वो जो दूसरी चढ़खड़ी होती है ना चक्री, जो भी दूसरी डंडे होती है समझ लो, उसमें डंडे होते हैं यहाँ पे, मेरे को उसकी आदत है यार। ये वाली ये नया ही आ गया आजकल, पिछले साल लाई थी तो हाँ, मैं दो तीन साल से नया ट्रेंड आया, डंडी दे ही नहीं रहे साथ में, कह रहे हैं वो खुद लेके आओ। आगे 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 बूती भाई, देखो मैं कह रहा था आपको शायद हमें देखे कोई उड़ा दे ऊपर। तो भाई देखो मैं जैसे कह रहा था आपको भाई, जैसे हमने अभी हम कि हमें देख के शायद क्या कोई ना कोई आ ही जाए। तो भाई एक और गुड्डा आ गया आसमान में, अब चक्कर पता क्या है, अपने है ही पिछले साल की डोर बड़ी अपनी, तो अब डर पता क्या है, शायद क्या होता शायद हम हमारा, देखो भाई अगर अपना गुड्डी यहाँ से कटती है ना तो इसमें हमारी गलती नहीं, ये पिछले साल की डोर है, तो पिछले साल से पड़ी है तो यू नो एक साल से बड़े बड़े डोर खराब हो जाती थोड़ी। बोले ये एक गुड्डा उड़ रहा है सामने, पर हमारा वाला कहाँ पे है भाई, हमारा दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे कहीं पे अपनी पतंग है, यहाँ पे कहीं पे है, कहाँ है वो मुझे भी नहीं दिख रही अभी फिलहाल, ढूंढना पड़ेगा बहुत ऊपर, कैमरे में नहीं दिख रही। हाँ भाई बहुत ऊपर, आंखों से पानी आ गया, मतलब चश्मा पहन के आ जाता ऊपर, देखो भाई सच में ऊपर का तो फिर करा गोल बनाना में ऊपर का, इधर थोड़े पोना में अगला ऊपर देख मेरा। तो भाई पीछे वहां से चैलेंज आ रहा है कि भाई चलो पेचा लगाते हैं भाई, ये आंख से पानी आ गया धूप से। अभी हमने थोड़ी देर के मैंने इसको देखा तोड़ा, जब पेचे की बारी आएगी मैं ले लूंगा इससे, क्यों भाई आई एम द प्रोफेशनल काइट फ्लायर, दो साल रिकॉर्ड में छह गुड्डियां बड्डी हमें तो अठवड़ियां, ये सब काल्पनिक बातें यहाँ पे ना ही की जाए तो अच्छा है, छह बड्डियां अठवड़ियां बड्डियां क्या होता है, बंदे थोड़ी बड्डी बड़े कट्टियां हैं, कट्टियां कटना गुड्डियां काटते हैं बढ़ते नहीं है ना, हम सही कह रहे हैं गुड्डियां काटते हैं बढ़ते नहीं है, अपना गुड्डा जो है भाई बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, बहुत से हद से ऊपर है, हमें अपनी आंखों से नहीं दिख रहा, कैमरे में तो कैसे दिखाऊंगा, एक तो पूरा ऊपर धूप है, आसमान सफेद है और हमारा गुड्डा भी सफेद है, तो मतलब दिख ही नहीं रहा, कैमोफ्लेज हो गया वो। ये हमारी डोर जाती हुई कहां गई है वो मुझे भी नहीं पता, ऐसा हिसाब है डोर दिख रही है गुड्डा हमें भी नहीं दिख रहा, सब इंट्यूशन पे काम चल रहा है यहां पे थोड़ा सा। अब देखो वो कोने पे चल मार मार के ऊपर जा रहा हूं, वो दिख नहीं रहा, मुंह नहीं दिख रहा यहां से, सूरज आ गया ऊपर, सूरज भी बहुत पंगा पड़ रहा है, एक काम कर नीचे जा
मेरा चश्मा बड़ा गेमिंग वाला वो लिया जो मॉनिटर मॉनिटर के सामने पड़ा होगा। तो भाई दोस्तों आज अब देखोगे पहली बार किसी को गेमिंग चश्मा पहन के गेमिंग स्पेक्स पहन के पतंग उड़ाते हुए। फाइनली देखो यार मेरा प्यारा सा चश्मा आ गया, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या इसमें भी मैं सूरज में नहीं देख सकता फिलहाल। ये है कि पहले से तो थोड़ा ठीक है, लेकिन हाँ अब जाएंगे अपने पीछे। आंधे ऊपर कर, ऊपर ऊपर आंधे दाड़ा आओ ऊपर कर हाँ थोड़ा। बोलो मेरे को बोल रहे नीचे करने के लिए, मैं कह रहा हूँ ऊपर करने के लिए। अब देखो उनके छत पर थोड़ी लेके जाऊंगा मैं। थोड़ी देर का मैंने ब्रेक लिया है, तब तक भाई जो हमने इतनी डोर पूरे छत में फैला रखी है इसको मैं लपेट के वापस क्लोज कर लेता हूँ, ताकि भाई हम दोबारा जब नीचे उतारे हैं गुड्डा तो थोड़ी जगह बचे डोर के लिए। तब तक काका जो हमारा कुणाल भाई है वो करेगा, मैं तब तक भाई ये लपेट लेता हूँ। तो गाइस प्लान में थोड़ा चेंज होने का, चेंज ये होने का कि भाई जो हमारा जो ये गुड्डा है ना, ये गुड्डा खड़ा है एक तरह से, इसका मुंह नीचे करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको अभी हम उतार रहे हैं। उतार के भाई दूसरा गुड्डा चढ़ाएंगे ऊपर जो कि भाई थोड़ा घूमता हो, फिर लगाएंगे इनके साथ पीछे। तो भाई मैं ये डोर लपेट रहा था और थोड़ा सा पंगा पड़ेगा, ये देखो ये देख रहे हो आप गुंजल पड़ गई है, इसको निकालने की कोशिश करता हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार यहाँ से तोड़ के इसको ठीक करूँ। मैं डोर लपेटते लपेटते भाई पसीने से भर गया, लेकिन तभी देखा यार कि अपना गुड्डा और उनका गुड्डा पास पास आ ही गया, तो मैं सोच रहा हूँ अब इसी से हम पेचा लगा लेते हैं। दोस्तों आ गई है भाई इम्तिहान की घड़ी। अरे कौआ भाई अभी चक्कर ये हो गया कि अपना कैमरे की बैटरी हो गई थी और अब पढ़ने वाला है पेचा अपना। पहिए बच्चा आहो हमारा गुड्डा हवा में नहीं है। आहो क्रिस क्रिस हुआ किश पहिए रे बच्चा पढ़ो ये। तो यार दोस्तों इसी के साथ अपने साल की पहली पतंग काटते हुए वो देखो भाई ये जा रही है इनकी पतंग। काफी देर से भाई अपनी मेहनत मशक्कत लगी हुई थी पेचा डालने की, फाइनली साल का पहली पतंग हमने काट दी है। तो भाई इसी बात पे भाई लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और भाई अभी तक कमेंट नहीं है कमेंट करके बताओ यार आप इस बार कितनी पतंगे काटने वाले हैं या काट चुके हो, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं हो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो भाई मेरा आज का कोटा पतंग उड़ाने का हो गया पूरा, तो हम इसको सौंपते हैं कुणाल भाई को। तो मैं डरना तो लपेटो फिर तो खालतो आईने। अब हम इसको उतारते हैं, उतारने के लिए हम लोग करने वाले हैं भाई यहाँ पे गठबंधन सरकार, ये उतारेंगे मैं लपेटूंगा इनकी वाली। देखो जो ये कटी ना ये कट के वहाँ से थोड़ी सी आगे सामने यहाँ से सीधा वहाँ पे गिरेंगी पतंग, तो ये वहाँ पे लेके आई जाएंगे। अब काम शुरू करते हैं इसको लपेटने का, कुणाल भाई हमारा धीरे धीरे इसको उतारेगा। देखो भाई अब ये मुझसे ना मेरी टेक्निक पूछ रहा है कि मैंने कैसे काटी। एक जादूगर कभी भी अपनी जादुई अपने जादू की जो सीक्रेट होता है किसी को बताता नहीं है, इसलिए तो मेरी कट जाती है। भाई मैं हूँ प्रोफेशनल काइट फ्लायर, आपने देखा भाई कैसे मैंने उस पतंग को काटा। धूप होता है पतंग उड़ाने में जितना ज्यादा मजा आता है ना उतनी बुरी हालत हुई इसको लपेटने में, और ऊपर से भाई अब तो धूप भी आ गई एकदम तेज वाली। कुणाल भाई को मैंने भी सिखाया खिंच कैसे मारनी उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कुछ अजीब ही लग रहा है, ऐसे पहाड़ चढ़ रहा पता नहीं क्या कर रहा है ये। तो भाई इतना पसीना बहा भागे इसको मैंने लपेटा, हमारी पतंग भाई नीचे आ गई है। ये पसीने के बूंद देखो ये अभी भी गिरे हैं, और ऊपर देखो छाया आ गई है मतलब धूप चली गई, इसको कहते हैं भाई खराब किस्मत। तो भाई फाइनली काम हो गया। चलो भाई मैं एक हाथ में फोन एक हाथ में कैमरा बासुन कल बट गए कल भाई बंदा कह रहा है कि चलो फिर से उड़ाते हैं फिर से पेचा लगाते हैं, लेकिन अपनी हो गई है बुरी हालत। मैंने कहा भाई अब कल भाई मतलब तीन दिन से जिम जा रहा हूँ हाथों में हो गया बुरी तरह दर्द, मतलब कल छुट्टी हुई तीन दिन से जिम जा रहा हूँ बुरी हालत हो रखी हाथों की, हाथ उठ नहीं रहे, और फिर भी भाई मैंने कैमरा पकड़ा हुआ एक हाथ से फोन पकड़ा है, पसीना देख लो भाई। तो भाई अब सबसे मेन चीज खुद को भाई हाइड्रेटेड रखो, पानी पियो भर भर के, तो जाते भाई बड़ा ग्लास पानी पीते हैं। तो यार दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंट करो, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।